अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये मैंने पुर्तगीज का एग्ज़ाम किया था पहले, कल अपलोड किया था 0.32 का। तो इसके बाद मैंने इस एग्ज़ाम के ये मुझे स्टार्ट मिल गया। तो मैंने ना ये एग्ज़ाम किया था, तो मैंने ये देखें पहले एग्ज़ाम किया था, उसमें 0.20 का स्टार मिला। तो 20 की मेरी ना थोड़ी सी रेटिंग ना कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम हो गई, 78 थी। तो उन्होंने उसके बाद ना रिट्राई दिया है, तो रिट्राई को हम देख लेते हैं, क्योंकि रिट्राई ना असल एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ठीक है, तो वही चीज़ ये जो पुर्तगीज़ का आप रिट्राई एग्ज़ाम से मिलें, 0.32 का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड काफ़ी लोग आप लोग वेट किया कि इसको आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेलिवेंट ऑप्शन। जब डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास टैरी स्मिथ है। ठीक है, राइटर नेम सेम है, देख लें ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है टैरी स्मिथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास क्लियर टाइम इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, यानी इस प्रोडक्ट है, ये हमारे पास हिस्सा ही बन गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डायबेलो है। ठीक है, द लॉस्ट ऑफ, यानी ये राइटर नेम डिफरेंट हमारे पास हो गया, सबीना वैली है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन, यानी बुक्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लैक्सी थॉर्मन है। ठीक है, और यहाँ पर राइटर नेम क्या हमारे पास सेम आ रहा है, लैक्सी थॉर्मन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जूलिया है। ठीक है, और यहाँ पर राइटर नेम जूलिया डी एंसनी है, यानी थोड़ा सा इसमें हमारे डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिबेंसियस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बेस बुक्स है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा इसका, डिफरेंट प्रोडक्ट, इरेलीवेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिवन लोरे है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर का नाम हमारे पास कौन सा है, जॉनी है मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये हमारे पास जॉन वेदर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास उमा ग्लोरिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास राइटर है, यानी यूना ग्लोरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन, यानी सेम ही आ गया इसमें, तो इसमें गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, उमा ग्लोरिया ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ऑप्टी फ्री है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कार्टिगो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैक्सिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बुक्स चेंज हो गई हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनाना पी है, और ये सेम प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका हिस्सा बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीमेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोराडियो है। ठीक है, जेनरिक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेट्रोनियस है, बेस्टमैन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेनेकोरे, सेम राइटर नेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्लोरियस पैरा है। ठीक है, तो यानी इसका प्रोडक्ट है ऐसा ही है, यहाँ पे वैस है, यानी फूल रखने के लिए होता है, ये इसका हिस्सा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीमेंट ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेड अलान वोल्फ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइटर नेम, तो इसका राइटर नेम यानी ये गूगल पे तो सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन ही आ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन प्रोटीन है, मैग्नेटिक रेजिन है इन मेडिसिन बायोलॉजी, तो काम ये कि इन बुक का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सिट्यूट ऑप्शन आ जाएगा। इन्हें अगर आप देख के करोगे ना इस वीडियो को, तो आपको इंशाल्लाह अमेज़न के टास्क बहुत ईजी हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको कवर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। सही टिप्स, अल्लाह हाफिज़।